मैं लाल रत्नाकर जहांगीर आर्ट गैलरी में अपने चित्रों की एक प्रदर्शनी लगाया हूँ और इस गैलरी में एक लंबे समय के बाद किसी भी देश के आर्टिस्ट को मौका मिलता है। तो यह प्रदर्शनी मेरी 2020 में होनी थी लेकिन पैंडमिक की वजह से ये टलती गई और आज ये 1 फरवरी से 7 फरवरी तक के लिए मैंने अपने चित्रों को लेकर के यहाँ प्रदर्शित किया हूँ। ये मेरे चित्र आधी आबादी के नाम से जो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं उनमें बेसिकली हमारे जो देश का जो समाज का जो एक ऐसा वर्ग है जो लगभग उपेक्षित है, उनका रोल तो बहुत है, उनका जो जीवन के प्रति कंट्रीब्यूशन है वो बहुत है, लेकिन उनका जो संबंध है कला से, साहित्य से, संस्कृति से, इन सब के पीछे वो एक पर्दे के पीछे के व्यवस्थाकार की तरह काम करते हैं और उनमें जो है उनकी जो व्यवस्था है वो लंबे समय तक चीज़ों के पीछे काम करते 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 एक मेहनत की जो ज़िंदगी है उसमें वो परिवर्तित हो जाती है। तो जो सौंदर्य के जो रूप हैं वो उनके अंदर से उनके काम के प्रति काम की वजह से वो लगभग कहीं ना कहीं नदारद होते हैं, लेकिन उनका जो रूप होता है, उनका जो स्वरूप होता है, वही दरअसल मैंने अपने चित्रों में ले आने की कोशिश की है। और ये जो चित्र हैं, ये जो कोशिश है, ये मात्र कोशिश ही नहीं है बल्कि उस आधी आबादी की जो विभिन्न तरह की जो उसकी कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, चिंताएँ हैं, उनका एक सामूहिक जो रूप है जिसको हम उसको इस तरह से देख सकते हैं कि जो हमारा ये पूरा समाज है उस समाज में किस तरह से ये पूरे के पूरे चित्र एक खजाने की तरह उपलब्ध है। कहीं भी आप देखिए उनके जीवन में जो विचित्र किस्म का एक संवाद है, एक विचित्र किस्म का जो सौंदर्य बोध है, जो एक एक्सप्रेशन है, जो एक उनकी जो अपनी फीलिंग्स है, वो हमारे इन चित्रों में बहुत ही गहराई से उभर करके आती है। इसके पीछे का जो कारण है, जो मेरा रचना संसार है, जो मेरी रचना प्रक्रिया है जिसकी वजह से मैं इसे रचता हूँ, उसमें हमारा पूरा का पूरा वो समाज है जिसके बीच में मैं रहा हूँ। यह कहने में हमें कोई तकलीफ नहीं है कि ये हमारे आसपास हमारे सगे संबंधी हैं, हमारी माताएं हैं इसमें, हमारी बहनें हैं इसमें, हमारी बेटियां हैं इसमें, हमारे घर परिवार की बहुएं हैं इसमें, और समाज से जो समाज में इनका जो स्वरूप है, जो इनका इनकी जो उपस्थिति है वो यहाँ पर मौजूद है। इनको पेंट करने के लिए, इनको बनाने के लिए, इनको करने के लिए हमें उनको समझना बहुत ज़रूरी है, उनकी स्थितियों को समझना बहुत ज़रूरी है। उनकी स्थितियों को जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हम उनकी दशा को, उनके हालात को, उनके जीवन स्टाइल को, जो उनके जीवन में जो 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 सारे त्यौहार हैं, जो उत्सव हैं, जो उनके दर्द हैं, जो उनका अपना जीवन का एक बिंब है, ये सारा जो इन चित्रों में जब निकल करके आता है तो ऐसा लगता है ये भी एक समाज है। और इस समाज की जो उपस्थिति है, ये समाज जिस तरह से हमारे सामने मौजूद है, वह समाज निश्चित तौर पर हमें एक अद्भुत और अलग तरह का इस महानगर की गैलरी में जब भी मैंने चित्र लगाया है, तीसरी बार मैं अपने चित्रों को यहाँ पर प्रदर्शित किया हूँ, तो लोगों की यही प्रक्रिया होती है कि ये जो आधी आबादी है या जो गांव की खास करके जो ये महिलाएं हैं, इनका जो स्वरूप है, इनकी जो स्थिति है, उसको हम एक पकड़ पाने में कैसे सफल हो पाते हैं। यह जो हमारा पूरा का पूरा जो एक सिस्टम है, जो एक पूरा हमारा ये परिदृश्य है,
ये उसी समाज के विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न रूप, विभिन्न रंग के लोगों का एक एक समायोजित, एक तरह से संश्लिष्ट जो स्वरूप है उनका, जो एक जो 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 बनावट है, जो उनकी संरचना है, उनकी जो भिन्न भिन्न स्थितियाँ हैं, वो जब आप इसको एक तरफ से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो हमारा पूरा का पूरा जो 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 परिदृश्य है, जो लोग हैं, वो लोग हैं जो बहुत जगह मौन है लेकिन उनका काम बोलता है, उनका जो स्वरूप है वो बोलता है, उनका जो 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 जीवन स्तर है वो बोलता है, जो उनके तौर तरीके हैं वो बोलते हैं। और हम पाते हैं कि इनके जो काम के रूप हैं, जो जैसे बैठ करके कहीं है औरतें बात कर रही हैं, तो उनके अवभाव क्या हैं, उनकी चिंता क्या है, उनकी पीड़ा क्या है, उसको समझना और उसको बताना इन चित्रों के माध्यम से। जबकि ये इतना जैसे पूरे समाज में जो हमारा सिस्टम पूरा व्याप्त है, जो एक तरह से जिसकी जिसको हम कहते हैं कि बहुजन की जो समस्याएँ हैं, वो हर तरह जैसे समाज में, राजनीति में, तमाम सांस्कृतिक स्थितियों में दिखाई देती है, वो हमारे चित्रों में नज़र आती है। उसका कारण ये है कि जो हमारे समाज का जो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो पूरा का पूरा स्वरूप है, उनको कहिए शांत हो जाए थोड़ा सा प्लीज़, तो ये जो स्वरूप है पूरा, ऐसे हालात में, ऐसे दौर में, ऐसी स्थिति में हम इनके विभिन्न विभिन्न रूपों को लेकर के जो बात कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो 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 एक तरह का जो चित्रों की जो प्रक्रिया है, संरचना है, जो स्वरूप है, उसको हम अपने रंगों के माध्यम से, अपने रेखाओं के माध्यम से, अपनी इन चरित्रों के माध्यम से व्यक्त कर पाने में कितने सफल हो पाए हैं, यह तो मूलतः दर्शक ही समझ सकता है और बता सकता है। लेकिन हम इसको जो हमारी कोशिश है, हमें जब इस गैलरी में हमने इन चित्रों को प्रदर्शित किया है, तो इस पर केवल व्यक्ति ही नहीं है, उनके जो आसपास रहने वाले जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, और भी जो उनके दर्द हैं, उनकी जो पीड़ा है, उनके जो कष्ट हैं, वो सब भी है। इस बीच पिछले दिनों हम लोगों ने जो एक नए तरह का एक स्वरूप देखा है, वह तो मैं यही बात कर रहा था कि जो हमारा चित्र है और इसकी जो पृष्ठभूमि है वो ग्रामीण है, और ग्रामीण समाज में जो हमारी महिलाओं की दशा है, जो उनके अपने काम हैं, जो उनका जीवन है, उनकी जो चिंता है, उनकी जो खुशी है, यही सब हमारे चित्र में एक तरह से उनका विषय बनता है। और इस विषय को लेकर के हमारे दिमाग में, हमारे मन में एक बहुत बड़ा खजाना भरा पड़ा है, जो मैं चाहता हूँ कि वो पूरी दुनिया के सामने एक कला के रूप में आए। क्योंकि कलाओं में हम आभिजात्य वर्ग को देखते हैं, और आभिजात वर्ग ही हमारे लिए वो किसी न किसी रूप में कला का विषय बन जाता है, हम उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। आभिजात्य वर्ग की जो कला है वो बहुत एडवांस कला है, उसको हम इस रूप में देखते हैं कि उसमें जो कला के बहुत सारे तत्व हैं, उनमें जो हमारी जो संस्कृति में जो चीज़ें डाली गई हैं, उसमें एक डिवीज़न है, एक क्लासिफिकेशन है, एक वर्गीकरण है कि जिसमें जो वर्ण व्यवस्था है, मनुस्मृति है, और जो उसका जो स्वरूप है, उसको भी नज़रिए से, उसी नज़रिए से देखते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी तरह का क्षेत्र हो। आए दिनों इन तमाम चीज़ों पर हम देखते हैं कि एक किसी न किसी बाद का जो एक एक सिस्टम थोप दिया जाता है, वह सब कुछ देखा था बाबा साहब अम्बेडकर ने, ज्योतिबा फुले ने, पेरियार ने। अगर आप पढ़ते हैं इनको, सावित्री बाई फुले को पढ़ते हैं, तो सावित्री बाई फुले ने जिस समाज की महिलाओं को, पूरे 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 अपने समय के जो महिलाओं की जो दशा थी,
उसको सुधारने की कोशिश की। और जब तक आप सावित्रीबाई फूले को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप हमारी इस आधी आबादी की महिलाओं के चित्रों को बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारा आधी आबादी है, जो हमारा समाज है, जो ये हमारी चित्रों का जो जो एरिया है उसको समझने के लिए सामाजिक संदर्भों का, जो सामाजिक सरोकारों का स्वरूप है उसको भी आपको देखना होगा। और जब तक आप उसे नहीं देखेंगे तब तक इन चित्रों में आपको जो आनंद है उसकी अनुभूति ही नहीं हो सकती। और यही कारण है कि जो हमारा चित्र, जो हमारी चित्र परंपरा है, चित्र हमारी जो व्यवस्था है, उसमें इतिहास में जो चीज़ें हैं वो देवी देवताओं को लेकर के, धर्म को लेकर के, तमाम ऐसे पात्रों को लेकर के चित्र तो बने हैं, लेकिन उसमें आम आदमी कहीं छूट गया है। और आम आदमी में खास करके जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारे समाज में जो उनका स्वरूप है, उनको बहुत ही एक सफाई के साथ छोड़ दिया गया है। हमारा जो काम है उसी कवि को पूरा करने के लिए हम निरंतर प्रयत्नरत हैं, क्योंकि हमें इस बात का एहसास है कि हम इस तरह के विषय को लेकर के कला की दुनिया में जब जाएंगे तो जो जगह मिलनी चाहिए, जो अवसर मिलना चाहिए, वो संभवतः न मिले। ये अगर हम जिस दिन दिमाग में ला देंगे उस दिन फिर हम इस तरह की चित्र रचना करना बंद कर देंगे, क्योंकि सामान्य तौर पर ये चित्र जो हैं दिखाई देते हैं, ये तो आम लोग ही हैं। आम लोगों की ज़िंदगी के जो ये चित्र हैं वो खास हैं। इन चित्रों का जो स्वरूप है, इनका जो संदेश है, इनका जो मैसेज है, वो विशेष करके जब हम जाते हैं और देखते हैं कि कहीं ट्राइबल्स को बहुत सुंदर सा बनाया गया है, कहीं बहुत सारे लोहार कुम्हार और इस तरह के काम करते हुए बर्तन बेचने वाले को इस तरह से बनाया गया है कि जैसे वो राजा महाराजा हो, जैसे उसका स्वरूप एक चित्र में एक अभिजात्य वर्ग के रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता है, वैसे ही किसान को, वैसे ही काम करने वाले को, ऐसे ही तमाम जो तरह के लोग हैं, जो तमाम तरह की जो दशा दिशा है वह एक ऐसे एक इस तरफ ले जाती है कि ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा जो पूरा दर्शन है, जो हमारा फिलॉसफी है, उसमें उन्होंने एक प्रतीकात्मक तरीके से उस समाज को, उस वर्ग को भी चिन्हित करने की कोशिश की है, जिसका स्वरूप, जिसका रूप, जिसका आकार इस तरह का है कि जो अपने आप में हमें एक विचित्र सी जो चीज़ें जो देती है, देता है, जो बनाता है, जो करता है, वो एक उसका जो स्वाभाविक स्वरूप है उसको हमने अपने चित्रों में दिखाने की कोशिश की है। वो चाहे कामकाजी औरतें हों और चाहे वो अपने दर्द एक दूसरी औरत से बयां करती हुई हो, चाहे अपनी तकलीफ किसी को बता रही हो, इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे जो चित्र हैं वो उस भारत के चित्र हैं, जो भारत जिसको पिछड़ा हुआ कहा जाता है, जिसको समाज का ऐसा डिप्रेस मतलब उसको वो छोड़ दिया जाता है, शामिल नहीं किया जाता ऐसे उत्सव में, ऐसे अवसरों पर जहाँ हमारा भारत दिखना चाहिए। तो ये वो भारत के उस रूप का चित्रण है जो लगभग लंबे समय से छोड़ दिया गया है, और यही मेरे इस चित्र प्रदर्शनी का, मेरे यही इस आधी आबादी का एक विशेष संदेश है कि जिसको हम आपको इन अपने चित्रों के माध्यम से दिखा रहे हैं और दिखाई नहीं रहे हैं। महाराष्ट्र मुंबई के आर्थिक नगरी में जो जहांगीर आर्ट गैलरी, जो प्रेस्टिजियस गैलरी है, जहां पर लंबे समय के बाद 8-8 साल 10-10 साल के गैप के बाद आर्टिस्टों को मौका मिलता है, उस गैलरी में ये चित्र प्रदर्शित हुए हैं। और मैं इन चित्रों को आपको दिखाते हुए एक एक झलक दिखाता हूं और आप देखेंगे कि ये चित्र किस तरह से आपके सामने आ रहे हैं। करीब ले जाके कर रहा हूँ, करीब तो हम ही बात करते हैं।
आप जैसे एक इस चित्र को देखिए, कर ही रहे तो कैसे करें थोड़ा ठीक है। और हम पाते हैं ये हमारे चित्र जैसा कि आप देख रहे हैं, इनके रंग, इनका काम, इनका परिवेश, ये उसी समाज के जिसको हम अब तक आपको बता रहे थे, ये उसी समाज के प्रतिनिधि चित्र हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मैं कहूँगा इनसे कि आप जो कैमरा कर रहे हैं एक बार घुमा करके सारे चित्रों को दिखाने का प्रयास करें, एक बार आप घुमाइए और धीरे 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 इसे घुमाते जाइए। हम्म।